गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आपसे टॉन्सिल्स के बारे में बात करूंगा और मुझे लगता है कि लोगों को टॉन्सिल्स के बारे में उतना नहीं पता है और बहुत जल्दी वो सोचते हैं बच्चे के टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, टॉन्सिल्स ख़राब हो गए हैं। उन्हें शायद एज का भी नहीं मालूम किस एज पे टॉन्सिल होते हैं और किस एज पे ख़त्म हो जाते हैं। तो टॉन्सिल्स सबसे पहले तो पेरेंट्स आएंगे कहेंगे इसके टॉन्सिल हो गए, तो भाई टॉन्सिल तो सबके ही हैं, टॉन्सिल तो मेरे भी हैं, आपके भी हैं, मतलब हमारे सभी के टॉन्सिल होते हैं। टॉन्सिल हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इम्यून सिस्टम का पार्ट क्या है कि जब हमें इम्यूनिटी हमारे शरीर की बिल्डअप हो रही होती है तब ये टॉन्सिल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये टॉन्सिल हमारे अंदर जो भी हम मुँह से खाना खाते हैं, जो भी जर्म्स हमारे जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो फाइट हमारी बॉडी करती है वो थ्रू टॉन्सिल करती है। टॉन्सिल्स के अंदर कुछ ऐसे सेल होते हैं जो हमारे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज़ का प्रोटेक्शन करते हैं। तो टॉन्सिल तो इनफैक्ट हमारे फ्रेंड हैं, बट हाँ कभी कभी ये दुखी करते हैं। तो फिलहाल मैं इनकी अच्छी बातें बताऊंगा आपको। टॉन्सिल्स, पहली बात तो हमारे गले में सिर्फ दो टॉन्सिल नहीं है, इसकी एक रिंग है पूरी, उसे वॉल्डेयर रिंग कहते हैं। तकरीबन 14 टॉन्सिल होते हैं उसमें। मुख्य तौर पे दो गले वाले टॉन्सिल, दो ट्यूबल टॉन्सिल और एक एडेनोइड्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जीप के पीछे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें भी टॉन्सिल कहते हैं। कई बार आप अपनी जीप पूरी बाहर निकाल के देखेंगे तो पीछे आपको छाले से दिखाई देते हैं, तो वो भी टॉन्सिल हैं। तो इन सब टॉन्सिलों का काम है हमारे शरीर में इन्फेक्शन को प्रवेश ना होने देना। तो ये कोई बीमारी नहीं है टॉन्सिल, टॉन्सिल तो सभी के हैं ये आप मान के चलिए। और जो टॉन्सिल का साइज़ है वो छोटे बच्चों में बड़ा ही होता है, क्योंकि उस समय टॉन्सिल का यूसेज उन्हें ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया नहीं होता। 3 से 5 साल की उम्र में टॉन्सिल अपने साइज़ पे मैक्सिमम हो जाते हैं और 7 साल की उम्र से ये श्रिंक करना शुरू कर देते हैं, एट्रॉफी होना शुरू कर देते हैं। तो इसी आधार पे हम सभी बच्चों के बारे में उनके लिए उचित सर्जरी करानी है नहीं करानी है, क्या करना है, उसी आधार पे हम सारे डिसीजन लेते हैं। जनरली जो टॉन्सिलाइटिस बहुत कॉमन नहीं है, क्योंकि जो पेरेंट्स बच्चों के टॉन्सिल बड़े देख के ही सोचते हैं कि इनके टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया, जबकि अगर आपको नेचुरल साइज़ बताऊं मैं टॉन्सिल का, तो 2.5 सेंटीमीटर टॉन्सिल लंबा हो सकता है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.2 सेंटीमीटर मोटा हो सकता है। तो आप समझिए टॉन्सिल इतने बड़े हैं और वो पूरे तो दिखते भी नहीं है मुँह खोलने पर, तो काफ़ी बड़े होते हैं टॉन्सिल। उनके साइज़ से ये पता नहीं चलता कि टॉन्सिल की बीमारी है या टॉन्सिल में इन्फेक्शन है। ये तो डॉक्टर उनके साथ दो गांठें बढ़ जाती हैं गले के नीचे इधर, उन्हें सर्वाइकल एंटीरियर जुगलोडाइगेस्टिक लिम्फ नोड कहते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे क्लूज के साथ वो डायग्नोस करते हैं कि इसमें बाकी टॉन्सिल में इन्फेक्शन है या सोर थ्रोट ही हुआ है, क्योंकि सोर थ्रोट कहीं ज़्यादा कॉमन है और सोर थ्रोट के लिए बहुत सारे वायरस हैं जो सोर थ्रोट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो सोर थ्रोट करते हैं। तो वो अक्सर पेरेंट्स टॉन्सिल्स के साथ कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि सोर थ्रोट तो कोई रोक नहीं सकता। सोर थ्रोट छोटे बच्चों को 5-6 बार 7 बार भी 1 साल के अंदर हो सकता है। हाँ, अगर उन्हें क्लासिफाइड टॉन्सिल है, अगर डॉक्टर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ये टॉन्सिल है, अगर 1 साल में 7 बार टॉन्सिल हो रहे हैं, टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो रहा है, या अगले 2 साल तक लगातार अगर देखें, अगर हर साल 5 बार टॉन्सिल हो रहा है लगातार 2 साल तक, या हर साल तीन बार टॉन्सिल हो रहा है 3 साल तक, तब इन टॉन्सिल्स को निकालने के लिए हम नाक कान गले वाले सर्जन्स के पास उन बच्चों को भेजते हैं। और एक जो टॉन्सिल है एडिनोइड्स, वो बच्चों का बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ये पिंग पोंग की बॉल के आकार का होता है, जिसकी वजह से बच्चे को कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है या बच्चे की नाक बहती रहती है, और कुछ बच्चों के कान में भी इन्फेक्शन हो जाता है या कान के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे उनको कम सुनाई देता है। तो ये डॉक्टर अपने विवेक से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से डिसीजन लेता है कि किस टॉन्सिल को छेड़ना है या किस टॉन्सिल को सिर्फ दवाई से ही सही करना है। एंड मेजॉरिटी टॉन्सिल दवाइयों से सही हो जाते हैं। आप देखिए, कोई भी चीज़ अगर न्याय संगत करेंगे तो उसमें आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे, बट आप भावुक हो कि इसका गला ख़राब हो गया। मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं, ये तो हर महीने बीमार हो रहा है, जब उनके पर्चे देखो तो पता चला 4 महीने पहले बीमार हुआ था, 6 महीने पहले बीमार हुआ था। कुछ सीजन्स होते हैं जिसमें जल्दी जल्दी इन्फेक्शन्स होते हैं, तो आपका डॉक्टर सब कुछ समझता है। तो आप सिर्फ धैर्य रखिए, बच्चों को भगवान ने बनाई ऐसे, उन्हें कोई ब्लड प्रेशर की हार्ट डिसीज़ या कोई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी तो जनरली मिलती नहीं है, उनमें तो यही बीमारी है जो इन्फेक्शन की होती है। मैं अक्सर पेरेंट्स को समझाता हूँ कि देखो, इसकी दादी को सब इतनी सारी दवाइयाँ खाती होंगी, बट इन्हें टॉन्सिल नहीं होंगे, इन्हें गला ख़राब नहीं होगा, इन्हें बुखार नहीं होगा। आप बड़े लोग, आप जब दादी के साथ बच्चा आएगा उनसे पूछता हूँ, मैंने कहा आपको बुखार कब हुआ था, बोली हमें तो 15 साल हो गए बुखार हुए, 20 साल हो गए।
तो क्या मतलब इस बात का बताने का अभिप्राय ये कि तो सिर्फ छोटे बच्चों की बीमारी, गला खराब होना, बुखार होना, टॉन्सिल होना, तो इसके लिए अगर आपका बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो आप एकदम से टॉन्सिल्स को ब्लेम कर दें या एडिनोइड्स को ब्लेम कर दें, ये ज़रूरी नहीं है। ये आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, वो आपको कैसे गाइड कर रहे हैं, और प्लीज़ अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो कीजिए। जितने भी बच्चों के इन्फेक्शन हैं वो दो तरीके से बहुत आसानी से फैलते हैं, हैंड टू हैंड, जैसे आपने शेकिंग करा, किसी को छुआ, नाक में खुजली करी, आँख रगड़ी, तो उससे भी इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं। या हैंड टू ऑब्जेक्ट, जैसे आपने एक बीमार व्यक्ति ने या बीमार आदमी ने फ़ोन छू लिया या हैंडल छू लिया दरवाजे का, और उसे फिर दूसरा व्यक्ति आया या दूसरा बच्चा आया उसने छू लिया, तो वो एक दूसरे से क्रॉस इन्फेक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से बीमारी बहुत जल्दी फैल जाती है। आपने देखा होगा घर में एक जना खांसना शुरू करता तो बाकी लोग भी खांसना शुरू कर देते हैं, और अक्सर ऐसा होता है एक जने को वायरल इन्फेक्शन हुआ तो दूसरे को भी हो गया। तो इसके लिए बहुत धैर्य बना के रखें। छोटे बच्चों को भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि जिनको बार 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 बीमार होना है, एक साल में 6-7-8 बार बीमार होना उनके लिए नॉर्मल है। तो इसके लिए एकदम से हम जंप करें कि टॉन्सिल ख़राब हो गए या गला ख़राब है तो टॉन्सिल ही हो गए, और बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हैं जो सिर्फ ये जुगलो डाइजेस्टिक लिम्फ नोड बढ़ा देते हैं। यहाँ गले की यहाँ पे जो लिम्फ नोड बढ़ती हैं वो 2-2-3-3 महीने तक फूली रहती हैं अक्सर, तो उसके लिए भी कोई आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और टॉन्सिल से बिल्कुल भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं जो आपके डॉक्टर जानते हैं, और वो आपको वो दवाई अगर टॉन्सिल हुए भी हैं तो देते हैं। आपको अगर बार बार गला ख़राब हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, बार बार हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, और हैंड वॉशिंग किसी समय पॉसिबल नहीं है तो सैनिटाइज़र लगाना चाहिए, और बाज़ार का बर्फ़ बिल्कुल ना खाएं, जितना हो सके बाज़ार की जो आइसक्रीम्स हैं वो अवॉइड करें। कुछ फ्लू शॉट्स लगवाएं अपने बच्चों को, फ्लू शॉट्स बहुत ज़रूरी हैं छोटे बच्चों के लिए, और अननेसेसरी ऑपरेशन के लिए ना सोचें, क्योंकि एडिनोइड्स जो हैं अगर ऑपरेट करे जाएं तो 20% चांस है वो दोबारा बढ़ जाते हैं, और ज़्यादातर बच्चों के टॉन्सिल्स एडिनोइड्स 10-10-12 साल की उम्र तक आते आते श्रिंक कर जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सभी को सर्जरी की जरूरत, मतलब सारी टॉन्सिल बहुत सिंपल होते हैं, कुछ टॉन्सिल बहुत परेशान भी करते हैं, जैसे मोटे बच्चों के अंदर सेम साइज़ का टॉन्सिल, बड़ा टॉन्सिल और एक पतले बच्चे के अंदर सेम टॉन्सिल, दोनों के रिजल्ट्स में फ़र्क होगा। मोटे बच्चे को सांस लेने में परेशानी होगी क्योंकि उसके गले के अंदर और जगह भी फैट जमा है, तो उन्हें रात में स्लीप एपनिया हो सकता है, तो हो सकता है आपका डॉक्टर आपके बच्चे को एसेस करके सर्जरी एडवाइस करे, या उसके कान में पानी भरा रहता है, दोनों कान बार बार इन्फेक्ट होते रहते हैं, तो हो सकता है आपका डॉक्टर आपको सर्जरी एडवाइस करे। तो ये डॉक्टर के विवेक पे और एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है कब आपको सर्जरी के लिए जाना है। बट ओवरऑल टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिल इतना कॉमन इन्फेक्शन नहीं है जितना कि आप लोग समझते हैं। हर गला ख़राब हो रहा है वो टॉन्सिल का इन्फेक्शन नहीं है। तो इसी के साथ मैं अब यहीं पे रुकना चाहूँगा, और आगे अब नेक्स्ट वीक नेक्स्ट फ्राइडे मैं किसी गले में गांठों के लिए बताऊँगा कि छोटे बच्चों के गले में गांठें क्यों होती हैं और उसको हम कैसे अप्रोच करें। Thank you. Good evening.